दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो, अपने अपने घरों में स्वस्थ हो और बहुत ही बढ़िया हो। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ी किचन में राहत आ जाए तो हम लोग है ना एक रेसिपी शूट करेंगे, पर किचन में राहत के अलावा सब कुछ आ चुका था और बहुत दिन चले गया और मुझे ऐसा लगता है कि अब किचन में राहत नहीं आने वाली, गर्मी इसी तरीके से रहेगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की मुठिया। आज वेनसडे, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को थोड़ा सा डिफरेंट देने की इच्छा होती है, इसलिए मैंने सोचा यही बना लेते हैं। और देखो, मैंने हेयर कट अभी नया नया करवाया है, बताना कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, लौकी की मुठिया के लिए यहाँ पर मैंने चीज़ें रख ली हैं, फटाफट से शुरू करते हैं और फिर आप लोगों से बातें करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने आटा, तो 2 कप आटे में हम 1 कप डालेंगे बेसन, उसमें हम डाल देंगे सूजी और लेंगे हम लौकी। तो लौकी जब आप बना रहे हो ना तभी मतलब इसको ग्रेट करके रखना, आप चाहे तो चॉपर से भी इसे चॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम रखोगे तो ये काली पड़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे चॉपर से चॉप कर लिया था। नमक, थोड़ा अजवाइन, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, यही सब चीज़ें इसमें डलती है, बेसिक चीज़ें, और थोड़ी सी चीनी भी मैंने इसमें डाली थी, उसमें थोड़ा अच्छा स्वाद आता है। यहाँ पे हमने डाला है दही। दही डालने से ना आपकी मुठिया बहुत सॉफ्ट अंदर से, मतलब बाहर से क्रिस्पी अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेगी, तो दही ज़रूर डालना, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मोयन के लिए तेल, और क्योंकि हमारी मुठिया बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने इसलिए हम थोड़ा सा सोडा डाल रहे हैं, खाने वाला सोडा, तो ये हमको चुटकी भर के हिसाब से डालना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो टाइप तैयार कर देंगे। तो मैंने लौकी का थोड़ा पानी बचा हुआ था तो वो इसमें ही डाल रही हूँ मैं। जल्दी इसका डो तैयार हो गया है और इसकी ना खास बात यही है। अब ना यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक्चुअली पता है क्या, हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं, तो जो हम जहाँ पे अभी ना हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, हमारा जो भी सामान है, जैसे कि हमें जो शादी से मिला है और जो नया नया सामान है ना, वो हम यहाँ पे लेके नहीं आए, क्योंकि हमें ना कुछ टाइम के बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तो जहाँ पे हम शिफ्ट होंगे ना वहीं पे हम सारा नया सामान खोलेंगे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी नहीं है मेरे पास, ठीक है। और जुगाड़ में मैंने स्टीमर तो बनाई है। अच्छा, जिन लोगों के पास स्टीमर नहीं है वो इस तरीके का जुगाड़ बना सकते हैं। कढ़ाई में से पानी गर्म करना है, उसमें प्लेट से आपको उसको स्टीमर बन जाएगा, प्लेट रख देना और उससे स्टीमर बन जाएगा। अभी देखो डो लेंगे, थोड़ा सा हाथों में तेल नहीं लगाया था तो ना चिपक रहा था, तो इस तरीके से जैसे हम गट्टे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और इधर इस तरीके से रख देंगे। प्लेट में रखने से पहले प्लेट को एक बार ही तेल से ग्रीस कर लेना। हमारे घर में तो ये सबको पसंद है, और जो राजस्थान में से ना कढ़ी के साथ बनाते हैं कढ़ी, पर मैं कढ़ी नहीं बनाऊंगी, मैं सीधा इसको ना सॉस के साथ स्टोव फ्राई कर दूंगी और सॉस के साथ दूंगी, तो सॉस के साथ भी बहुत ही अच्छा लगेगा ये, ठीक है। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और हेल्दी तो होता ही है, क्योंकि इसको बहुत ही कम तेल में, आपने देखा ये भी कितना कम तेल यूज़ किया, और अभी इसको स्टर फ्राई करेंगे तो वो भी कम ही तेल पे करेंगे। कोई सी भी जगह होती है ना जहाँ पे हम ज़्यादा रह जाते हैं तो हम ना वहीं के हो जाते हैं, जैसे कि मैं हूँ तो हम उत्तराखंड से, पर हम राजस्थान में इतना रहे हैं कि हम ना वहीं के हो गए हैं, वहीं की सारी चीज़ें, वहीं के सारे खाने, वहीं का सब कुछ होता है। तो ये भी राजस्थान का ही है, और वैसे हाँ गुजरात में भी इसे बहुत लोग बनाते हैं मुठिया,
पर ये जो मैंने बताया है ये राजस्थानी स्टाइल का है। तो करीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देते हैं और फिर एक नाइफ से चेक करेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। गर्मी उतनी हो रही है तो मैं फटाफट से यहाँ से निकल रही हूँ। तो जब ये ठंडा हो ना तभी इसको कट करेंगे। तो अभी ये ठंडा हो गया है। ये देखिए इस तरीके से इसका टेक्सचर हुआ है, एकदम सॉफ्ट सा। अगर आप डाइट कॉन्शियस हो तो आप इसको ऐसे ही खा लेना, फ्राई मत करना। बट क्या फ्राई करने से थोड़ा सा स्वाद आ जाता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। Let me just try. नमक ऑन पॉइंट है, ठीक है। नमक थोड़ी सी हमने चीनी डाली थी और जितने मसाले ना सबका फ्लेवर आ रहा है इसमें। अब चलिए इसका फटाफट से भगार तैयार कर लेते हैं। दो पैन रखे मैंने, थोड़ा सा तेल इसमें डालते हैं, थोड़ा सा तेल इसमें डालते हैं। ओके डन। हींग बस और डाल देते हैं। कैप्सिकम, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता ज़्यादा लगता है कि गर्म नहीं हुआ डाल। अब इसमें कुछ नहीं है, राई है, जीरा है और थोड़ा सा सफ़ेद तिल है, तो थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ सफ़ेद तिल, थोड़ी सी राई इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और जो बचा हुआ है वो सारा इसमें डाल देती हूँ। नाउ इसे स्टर कर देते हैं, इसे स्टर। अब इसको इसमें रख देंगे फ्लैट करके, फ्लैट माने कि जैसे कि ये क्रिस्पी हो पाए, तो इस तरीके से रखेंगे। मैं आपको क्लोज में दिखाऊंगी हाँ, तो इस वाले में तो कम आ पाएंगे पर उस वाले में ज़्यादा आ जाएंगे आई गेस। एक तरफ से क्रिस्पी हो रहा है तो उसके बाद उसको फ्लिप करना है दूसरी तरफ से। अब
ना ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो पहले इस वालों को फ्लिप कर देती हूँ। देखो इस तरीके की एक लेयर आ गई है, पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही, इस तरीके की आ गई है। तो इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं।